नमस्कार साथियों, हमारा ये नवीन सत्र आपके बीच में मैं लेकर आया हूँ, जिसका नाम है विश्लेषण इन डेप्थ रिव्यू। इसमें हम बहुचर्चित पुस्तकों, चलचित्रों, गणित, विज्ञान, इतिहास इत्यादि आवश्यक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। आज हम जिस पुस्तक के बारे में विश्लेषण करेंगे, उस पुस्तक का नाम है ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। तो हमें अक्सर बताया गया है कि ऑल रिलीजन्स आर द सेम, बट इसको चैलेंज करते हुए, इसको एक तरह से चुनौती देते हुए संजय दीक्षित जी ने ये पुस्तक लिखी है। जैसा आपको ज्ञान होगा, संजय दीक्षित जी की पुस्तकें अनब्रेकिंग इंडिया, कृष्ण गोपीश्वरा, कृष्ण योगेश्वरा बहुत ही पॉपुलर रही हैं, और अब ये नई पुस्तक उन्होंने पब्लिश की है, जिसके बारे में हम आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। इस पुस्तक का जो फॉरवर्ड है वो हमारे विशिष्ट डॉक्टर डेविड फ्रॉली जी ने लिखा है, जिन्होंने संक्षिप्त रूप से कहे तो लिखा है कि इस पुस्तक ने सनातन धर्म के लिए अभूतपूर्व कंट्रीब्यूशन दिया है। लॉजिक और साइंटिफिक सुप्रीमेसी ओवर अब्राहमिक रिलीजन्स इसने एस्टैब्लिश किया इस पुस्तक में। अगर हम देखें तो संजय दीक्षित जी ने इस पुस्तक में ना केवल अपना एक्सपीरियंस जोड़ा है, अपितु महत्वपूर्ण गणितज्ञों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं जैसे डॉक्टर सी के राजू, प्रोफेसर सुभाष काक, अभिजीत चावड़ा, नीलेश ओक जी, ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के इनपुट्स इन्होंने लिए हैं इस पुस्तक में। उसके अलावा इन्होंने विभिन्न दर्शन शास्त्रों से, उपनिषदों से, भागवतम से एवं श्रीमद् भगवद गीता के महत्वपूर्ण इनपुट्स भी इस पुस्तक में दिए हैं, जिससे जो पाठक है उसकी रुचि बनी रहती है और वो अपने धर्म से इस विचारधारा को जोड़ सकता है। साथियों, ये बुक टोटली नॉन कंट्रोवर्शियल है और इसमें किसी प्रकार का भी प्रेजुडिस नहीं है, बल्कि फैक्ट्स के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, इतिहास के प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर इस पुस्तक में सारी जानकारी दी गई है। इस पुस्तक को लगभग 6 भागों में बांटा गया है और विभिन्न अध्याय हैं। मैं संक्षिप्त रूप से इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहला जो भाग है उसमें कंपैरिजन दिया गया है विभिन्न जो अपने सनातन धर्म है और अब्राहमिक धर्मों के बीच में कंपैरिजन दिया गया है, कैसे वो भिन्न है। आपकी जानकारी के लिए बोलना चाहूँगा, सनातन धर्म में हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म ये मुख्यतः आते हैं, और अब्राहमिक रिलीजन में जो आपके जुडाइज्म है और क्रिश्चियनिटी है और उसके पश्चात इस्लाम, इस रूप से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर में संजय दीक्षित जी डिस्क्रिप्टिव वर्सेस प्रिस्क्रिप्टिव आइडियोलॉजी की बात करते हैं कि सनातन धर्म में आपको एक तरह से डिस्क्रिप्टिव आइडियोलॉजी दी जाती है कि भई आपके पास पूरा मेन्यू पड़ा हुआ है, आप अपने हिसाब से चूज करिए, अपना प्लेट खुद बनाइए अपनी योग्यता, अपने रुचि के अनुसार। सनातन धर्म में इंक्वायरी के मोड से काम किया जाता है, मतलब सीकर्स सनातन धर्म में है, बिलीवर्स अब्राहमिक रिलीजन्स में है। आपको जो एक प्रिस्क्रिप्शन दिया है उसमें बिलीव करना है, तो ये एक मुख्य डिफरेंस है और इसके बारे में चर्चा उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से की है संजय दीक्षित जी ने, जो आप पढ़ सकते हैं। इसके पश्चात तो उन्होंने बहुत ही एक जो मेरी पसंदीदा पार्ट है वो उन्होंने बताया गया है कि हिंदुओं के स्क्रिप्चर्स को आप विभिन्न रूप से अपनी रुचि योग्यता के अनुसार समझ जान और अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक ही वेद का मंत्र आप अधि भौतिक, अधि दैविक एवं आध्यात्मिक रूप से जान सकते हैं, अर्थात कि अधि भौतिक आपकी लिटरल मीनिंग हो गया, अधि दैविक आपकी डिवाइन मीनिंग हो गया और आध्यात्मिक आपकी स्पिरिचुअल मीनिंग हो गया। तो एक ही चीज को कैसे तीनों चीजों से आप तरह से आप समझ सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी उन्होंने दी है और इन्हीं से उन्होंने पुराणों की कथाओं को भी जोड़ा है, किस प्रकार से वो इस इंटरप्रिटेशन के थ्रू उभरे हुए हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें आपको मिलेगा। उसके पश्चात उन्होंने टाइम कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की है कि किस प्रकार से सनातन धर्म में साइक्लिक या क्वाजी साइक्लिक टाइम होता है, रीबर्थ, कार्मिक कार्मिक फल्स, जो कार्मिक कर्म के आधार पर हमें हमारे फल मिलते हैं, उसके बारे में चर्चा हुई है। परंतु अब्राहमिक रिलीजन्स में किस प्रकार से एरो और टाइम है, एक ही डायरेक्शन में शुरुआत और अंत है, और एटर्नल हेल, एटर्नल हेवन का कॉन्सेप्ट है, और उससे उभरी हुई चीज़ों के बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से बताया, जो कि काफ़ी जानकारी आपको प्रदान करेगी। उसके पश्चात लॉजिक कॉन्सेप्ट्स उन्होंने दिया कि सनातन धर्म में
किस प्रकार से दो ही लॉजिक नहीं है, येस नो जीरो वन, बल्कि मल्टी लेवल लॉजिक्स हैं। और एब्रामिक रिलीजन में या तो कोई चीज़ ठीक है या तो कोई चीज़ गलत है, जीरो या वन है, शेड्स ऑफ ग्रे नहीं है। उसके पश्चात प्रमाणों के बारे में बात किया है, किस प्रकार से विभिन्न प्रमाण सनातन धर्म में है, बड़ी ही रोचक वो भी आपको मिलेगा। कॉस्मोलॉजी के बारे में बात किया है और डेथ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया है, अर्थात इसमें कथा उपनिषद से भी नचिकेता और यम की जो आपस में चर्चा है उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। और कॉस्मोलॉजी में भी हमारी जो प्रकृति है, ब्रह्मांड है, उसके संबंध में भी जानकारी आपको दी गई है, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके पश्चात संजय दीक्षित जी सनातन अम्ब्रेला के बारे में जानकारी देते हैं कि किस प्रकार से सनातन धर्म में शरीर को अलग अलग परतों में विभाजित किया गया है, जैसे कि स्पीच को भी अलग अलग परतों में विभाजित किया गया है, जो कि नई जानकारी होगी काफ़ी लोगों के लिए। इसके अतिरिक्त योग के अनुसार हमारे शरीर को पंचकोश में भी विभाजित किया गया है, वो पंचकोश कौन से है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में बताया गया है, तथा हिंदू तंत्र के अनुसार कौन से सात चक्र है और उनका क्या रोल है उसके बारे में बताया गया है। इसके पश्चात हम लोग नौ दर्शनों के बारे में उन्होंने बताया है, और नास्तिक एवं नास्तिक, छह आस्तिक और तीन नास्तिक दर्शनों के बारे में उन्होंने बताया है, और ब्रह्म के निर्गुण एवं ईश्वर सगुण है, किस प्रकार से है, कैसी हमारी मान्यताएं हैं उस प्रकार, उसके संबंध में संजय दीक्षित जी विस्तृत रूप से क्लैरिफिकेशन करते हैं, जो कि अक्सर लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है। इसके पश्चात जो आजकल चर्चा में है, हिंदुत्व एवं हिंदुइज्म के बारे में डिबेट, उसको क्लैरिफाई किया है कि उसका क्या अर्थ है। हिंदू सिंबोलिज्म के बारे में संजय दीक्षित जी बात करते हैं, जो हमारे आम भाषा में विभिन्न देवी देवताओं के नाम हैं, कि सिंबोलिज्म है, उनका क्या अर्थ है और उसको हम किस प्रकार से अपने अध्यात्म से जोड़ते हैं। इसके पश्चात तृतीय भाग में संजय जी अब्राहमिक रिलीजन और उनके प्रिंसिपल्स के संबंध में हमें विस्तृत रूप से बताते हैं, जो कि काफ़ी पाठक को रुचि देगा, क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं होंगी जैसे जोरेस्ट्रियन हो गए, मैंडियंस हो गए और नैबेटियंस हो गए, इनके बारे में नहीं सुना होगा। जोरेस्ट्रियन बेसिकली पर्शियन एरिया में थे, और आपने मैंडियंस और नैबेटियंस रिस्पेक्टिवली अपने जुड़िया जो एरिया है इसराइल का, और जॉर्डन जो है उस एरिया में थे, और इसके अलावा अन्य प्राचीन सभ्यताएँ जैसे एखेनेटियंस, मिटानी और हिटिटिस सभ्यताएँ जो कि इजिप्ट, इराक, सीरिया एवं टर्की में थी, और किस प्रकार से वो वैदिक सभ्यताएं हमसे जुड़ी हुई थी उसके बारे में बहुत ही आवश्यक जानकारी उन्होंने प्रदान की है। इसके पश्चात वो इन सभ्यताओं का, प्राचीन सभ्यताओं का अब्राहमिक रिलीजन्स पे कैसे असर पड़ा और वहाँ से क्या क्या चीज़ें ट्रांसफर हुई इन सभ्यताओं में, उसके बारे में जानकारी दी गई है। तनख या ओल्ड टेस्टामेंट, हिब्रू बाइबल और जुडाइज्म के बीच में क्या संबंध है, बाइबल और क्रिश्चियनिटी के बीच में क्या संबंध है, कुरान एवं इस्लाम के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके पश्चात अगला जो भाग है वो है इंटर अब्राहमिक कन्फ्लिक्ट, मतलब इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जो जुडाइज्म है इसके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं आपस में, इन्होंने आपस में भी काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई हैं और उसके क्या कारण रहे हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी और ज्यूज़ में, जैसे आजकल हम लोग नहीं जानते होंगे, जूस स्टार्टिंग से ही प्रताड़ना के शिकार हुए हैं, क्रिश्चियनिटी में भी उनको बहुत प्रताड़ना सहनी पड़ी है और बहुत समय से उनको ये प्रताड़ना चली आ रही थी क्रिश्चियन युग में भी, फिर क्रिश्चियनिटी के बाद इस्लामिक युग में भी उनको ये प्रताड़ना सहनी पड़ी, उसके क्या कारण थे और उसके क्या रूट्स थे उसके बारे में बताया गया है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में क्रूसेड्स, क्रॉस क्रूसेड्स कंटिन्यूसली होते गए, और ये जो आजकल आप इनफ्लो देख रहे हैं यूरोप में मिडिल ईस्ट से, इसकी ये एक तरह का डेजा वो है, और किस प्रकार से पुराने समय में मिडिवल एरा में ये सब हुआ है इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है, ओटोमन एम्पायर के बारे में जानकारी दी गई है, तो ये बहुत ही जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा लेख है। और पार्ट फाइव जो है, मतलब भाग पाँच, उसमें संजय दीक्षित जी लिखते हैं कि ठीक है, अब इन्होंने आपस में तो लड़ लिया, अब अब्राहमिक वर्सेस सनातन धर्म या दूसरे धर्म पेगन रिलीजन्स का क्या रहा, किस प्रकार से ये फैले और किस प्रकार से इन्होंने बाकी रिलीजन्स को ट्रीट किया। पहले तो क्रिश्चियन कॉन्क्वेस्ट के बारे में लिखा गया है, और उसके पश्चात इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट के बारे में लिखा गया है, और ये भी बताया गया है किस प्रकार से वो विश्व से होते हुए भारत में भी पहुँचे।
तो ये पढ़ने लायक जानकारी दी गई है विद फैक्ट्स एंड रेफरेंसेस। और अंत में, अंतिम भाग में संजय जी लिखते हैं कि किस प्रकार से जिहाद की जो आइडियोलॉजी है उसके संबंध में वो बताते हैं और सूफिज्म के संबंध में बताते हैं विद रेफरेंसेस फ्रॉम स्क्रिप्चर्स। तो ये मैं श्रोता के विवेक पे डालूंगा कि इन सब तथ्यों को अपनी ओर से भी पुनः चेक कर लें, पढ़ लें और क्रॉस चेक कर लें। साथियों, ओवरऑल ये पुस्तक बहुत ही आवश्यक है किसी भी व्यक्ति को जो कि इतिहास में रुचि रखता है, जो धर्म में रुचि रखता है, जो रिलीजन्स में रुचि रखता है, या जो रिलीजन्स की कंपैरेटिव स्टडी में रुचि रखता है। तो ये एक बहुत ही क्रिस्प, कंसाइस और फैक्चुअल पुस्तक है जिसको मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको सभी लोग पढ़ें। आपने ये रिव्यू ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। और संजय दीक्षित जी की इस पुस्तक को मैं ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा। धन्यवाद।